आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय योगी साहब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको और पूरे 36 प्रदेश की जनता जनार्दन और सब पूरे गवर्नमेंट्स को। जिस तरीके से कोरोना काल में सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे जो है अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और कल रात बहुत अच्छा भी लगा और कल रात थोड़ी बेचैनी भी हुई, तो इसलिए थोड़ा सा एक अपील आपसे, एक विनम्रता पूर्वक, एक उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है जिसका 100 जन्म तक भी कर्जा नहीं उतार सकता, जिसने माँ दी है। और मुंबई हमारी कर्म भूमि है जिसका 100 जन्म तक कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि हमारी ये कर्म भूमि है जिसने हमें जीवन दिया। माँ और सिनेमा के बीच में लगभग 200 फिल्मों का रिलीज अनरिलीज, छोटी बड़ी, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं लीड, नुक्कड़ नाटकों से लेकर और हॉलीवुड तक, भोपाल, प्रेयर फॉर रेन, कई सारी फिल्मों में अलग अलग अभिनय करने के द्वारा मस्खरागिरी करते हुए जनता जनार्दन के ब्लड को सर्कुलेट करने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से इस देश दुनिया या बोले वसुधैव कुटुंब का सारा परिवार, एक संसार सारा परिवार के रूप में नतमस्तक करता हूँ। और मैं जो कुछ भी हूँ वो इस नेचर की वजह से हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एमपी की भूमि का, जिसने हमें दिशा निर्देशक के रूप में श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दद्दा जी के रूप में, जिन्होंने बगैर किसी विवाद के हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या जिसको संवाद के माध्यम से हमेशा सुलझाने में जो अपनी अग्रगामी की भूमिका निभाई है, उसके लिए परम पूज्य दद्दा जिस जमीन पे जन्मे हैं उसको मैं नतमस्तक करता हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी गुजराती देश दुनिया की जनता का, जिन्होंने एक जीवन साथी के रूप में, एक बोलते हैं कि जिसने एक कंधे से कंधा मिला के पारिवारिक भूमिका को निभाते हुए हमारी सपनों की भूमिका में एक सहभागिता अपनी पात्र के रूप में निभाई है, मैं उसके लिए हम अपनी अर्धांगिनी के रूप में राधा को बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कि मैंने एक बार राधा से बोला था 2000 में जब जंगल रिलीज हुई थी, कि जब हमारी 100 फिल्में हो जाएंगी तो मैं, क्योंकि माँ के जन्म के बाद जीवन जिसको, जिस गांव में चारों तरफ 6 महीने कीचड़ भरा हो और वहाँ से ये माया नगरी की दुनिया में जिसमें पूरे विश्व का प्यार मिलने लगा हो, और इसमें अब एक नागरिक के रूप में या एक इंसान के रूप में क्या दे सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 36 साल हो गए हैं मुझे कला की पूजा करते हुए, कला को जीते हुए, अभिनय करते हुए, रियल और रील को बैलेंस करते हुए। तो एक कुछ ऐसा सपना था कि एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा संसार बनाया जाए जो कला का संसार हो, और जिसमें एक ऐसा रंग और यूनिवर्स हो जिसमें सातों समंदर में आपने हॉलीवुड से लेके और रामू जी राव और आधा हैदराबाद फिल्म स्टूडियो से बिल्कुल सजा हुआ है, या चेन्नई से, या अपन केरला से, बंगाल से, हर जगह के सिनेमा और वहाँ के थिएटर और वहाँ के स्टूडियोज और वहाँ के डिज्नी वर्ल्ड से लेके यूनिवर्सल स्टूडियो तक जाने का अलग अलग जो सौभाग्य मिला, सातों समंदर देखने का मौका मिला। तो मैं सिर्फ एक सजेशन अपनी तरफ से, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक और इस देश का एक अभिनेता होने के नाते, कि मुझे भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 2 साल स्टेट स्कॉलर होने का सौभाग्य मिला है, और 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में जो है नेशनल स्कॉलर होने का सौभाग्य मिला है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है। मस्खरागिरी के रूप में तो पूरे दुनिया का बहुत प्यार मिला है, लेकिन एक मशविरा एक अंदर, जिसमें मालिक तो आप हैं, योगी साहब हैं, जो सरकार चला रहा है वो उसका मालिक है। अगर एक माली के रूप में मुझे एक पात्र के रूप में सहभागिता निभाने का सौभाग्य मिलता है,
तो मैं आजीवन 1 रुपया और 111 पैसे पे अपने आप को सेवा के रूप में देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए, फिल्म सिटी वहाँ होनी चाहिए। फिल्म सिटी कला को बिलोंग करती है, कला में जो है वो ग्लैमर है। देश काल वातावरण स्थिति को देखते हुए जहाँ पे जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन सबका संगम होता है, वहाँ पे जब कला निवास करती है, जहाँ पे जानवर निवास करते हैं, जहाँ पे जल निवास करता है, जहाँ पे शांति निवास करती है, जहाँ पे प्रदूषण रहित वातावरण निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोगों का प्रदेश है, जिसमें अभी तक कहने के लिए पिछले 20 साल से बहुत अलग अलग कोशिशें हुई फिल्म सिटी को बनाने के लिए। लेकिन मैं भी एक सपना देख रहा था, और लगातार 15 साल से पति पत्नी हम दोनों रिसर्च कर रहे थे कि अगर रील में तो बहुत कुछ देने का मौका मिला, लेकिन रियल में भी खेल सिनेमा थिएटर संस्कृति कल्चर 3600 स्टेट की जहाँ पे खुशबू बहती हो, ऐसा जल जंगल जमीन मिलना चाहिए। और वो मुझे जब मैंने मध्य प्रदेश के जंगल देखे, साउथ इंडिया के जंगल देखे, और गुजरात के जंगल देखे, और महाराष्ट्र के जंगल देखे, सब तरीके से अलग अलग विकास करने के लिए अपने अपने तरीके से काम हुआ है, लेकिन बनबसा माधव टांडा पीलीभीत और लखीमपुर के जंगल उससे सीधे वो एक ऐसी कि बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण नदी का स्थान रखते हैं जिसका गोमती जी है। गोमती जी 900 किलोमीटर की उनका सौंदर्यकरण हो जाए, पड़ोस के जंगलों का खूब बहुत अच्छा सौंदर्यकरण हो जाए, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसानों से लेके प्रधानों से लेके नौजवानों से लेके कम से कम लाखों लोगों को रोजगार के साधन मिल जाएंगे, और अपनी जो बंजर जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसमें कम से कम 10,000-11,000 एकड़ जमीन जो है वो जमीन और 25,000 एकड़ का एक ऐसा न्यू नौरंग पार्क जिसमें देखा जाए तो सिर्फ पीलीभीत से बनबसा से लेके और वो वहाँ उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता, वहीं पे लगभग 5.5 लाख एकड़ जंगल है, तो उसमें न्यू नौरंग पार्क बनाकर जिसमें ऐसे जानवर चीतल से लेके हिरन से लेके हाथी से लेके सब जानवर वहाँ पे कुलाचे मारे, किसी भी जानवर को अपनी जान का खतरा ना हो, क्योंकि अपन ने शेरों के ऊपर चीतों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो एक ऐसा न्यू सफारी रूपी बच्चे से लेके बूढ़े तक जहाँ पे हजारों लोग इको फ्रेंडली जिसमें जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन के सारे नियमों का ध्यान में रखते हुए और आपके संरक्षण में मोदी साहब योगी साहब अमित जी जो आज देश की कमान आप सबके हाथ में है, तो अगर आपको एक माली चाहिए हो तो मैं चाहता हूँ कि फिर नोएडा में, क्योंकि नोएडा एक कॉमर्शियल सिटी है, वहाँ जहाँ कॉमर्शियल होता बहता है वहाँ पे आर्ट जो है व्यवधान पैदा करती है, आर्ट वहाँ होनी चाहिए जहाँ लोग स्कूल के बच्चे से लेके और बूढ़े तक उसकी उसके अंदर घुस के जिनको ये लगे कि यहाँ कला निवास करती है, यहाँ चिड़िया निवास करती हैं, यहाँ पे हिरन निवास करते हैं, यहाँ पे जो है अलग अलग चरित्र जिनमें इंसानियत मानवता निवास करती है, तो उसके लिए हमारी आपसे 36,000 एकड़ जमीन जल जंगल मिलेगा तो मैं उसका माली बनने के लिए तैयार था, कि यहाँ स्वर्ग नहीं है लेकिन ये अगर यहाँ आकर आप देखिए तो ये स्वर्ग से कम भी नहीं है, जहाँ पे घोड़ों की रेस हो, जहाँ पे गोल्फ का मैदान हो पूरे विश्व में, जहाँ पे मतलब छोटे छोटे विलाज में लकड़ी के विलाज में लोग, वहाँ पूरे देश के इतने अच्छे लोग होते हैं जो रिटायरी के बाद कहीं अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, कोरोना काल के बाद में हम लोगों को सुख शांति दें, और वो इतना मैंने महीनों लंदन में इसको बैठ के अंग्रेजी दिमाग लेके कि ताकि हम अपने बाहुबल जनबल का उपयोग कर पाएं, और ये जो है क्योंकि हमने रील में खेल लोगों का ब्लड अच्छा होते देखने देखा है, सपना देखा है, तो हम रियल में भी ऐसा चाहते हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक एक ऐसा फन प्लेस हो जिसमें घोड़ों की रफ्तार हो, जिसमें गोल्फ का मैदान हो, जिसमें रंग और रंग दुनिया में सबसे बड़ा स्थान रखते हैं, और वो रंग का यूनिवर्स हो पूरा सातों समंदर जो भी आए वो एक बार रंग और यूनिवर्स को बगैर देखे ना जाए और ये देख के जाए, और ये सिर्फ थोड़े से एफर्ट के लिए
अगर आप लोगों के साथ मिल गया तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं इसकी मालीगिरी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि नदी गोमती नदी के किनारे किनारे का जंगल, उसके बाद नेपाल से वो इतना बढ़िया एरिया, जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन के हिसाब से गोमती जी का पूरा सौंदर्यीकरण हो जाएगा, एक गोमती एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, तो लाखों किसानों के मतलब कहीं पे, जो योगी जी का बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आपका ये सपना है कि पलायन हो मजबूती में हो तो गौरव गौरवान्वित होते हैं, लेकिन मजबूरी में कहीं भी पलायन हो तो वो एक ऐसा लगता है कि ये अभिशाप है। तो हम भी जो है पलायन नहीं, मजबूरी में नहीं, मजबूती में चाहते हैं जिसमें देश और दुनिया का विकास हो और हमारे पास जो भी है उसका हम क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन 36,000 एकड़ में एक रंग और यूनिवर्स पीलीभीत के जंगलों से मिला हुआ, अगर वहाँ पे लोकेशन हमने देखी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, प्लीज़ आप देखिएगा तो हमें लगता है कि वो एरिया लाखों लोगों के लिए वरदान बन जाएगा और गोमती जी का एक नया स्वरूप तैयार हो जाएगा। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, कीप इट अप सर। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना काल में जो भी आप बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान आपको। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि कला का विकास करने के लिए देश, काल, वातावरण, स्थिति, भौगोलिक स्थिति, अंदर बाहर की ध्यान रखते हुए अगर हम करते हैं तो कला जो है वो क्लास्कर बन जाती है, कला ऑस्कर बन जाती है। और देश, काल, स्थिति, वातावरण, सिचुएशन और वो देखते हुए कला का अगर विकास करने की कोशिश होती है तो कला क्लास्कर नहीं विनाशकर बन जाती है। तो प्लीज़ कला को एक होता है कि बिजनेस के लिए जीना, एक होता है कला करने के लिए जीना। तो जो आदमी बिजनेस करते करते वहाँ जाके कलाकार, अंदर बैठे कलाकार को महसूस करने लगे, वो स्थान चुनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में पीलीभीत की जो बहुत बढ़िया जो है एक बिल्कुल कलश की तरह जो है वो सिचुएशन है, लोकेशन है, देश का वातावरण है और दिल्ली और लखनऊ से बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जो है कम्युनिकेशन है, क्योंकि पड़ोस में नैनीताल है और वहाँ पे जो है इसका अगर डेवलपमेंट कर दिया गया तो मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ भी लाखों लोगों को भोजन पानी और जीने की सुविधा मिल सकती है। और जहाँ पे हर 50 किलोमीटर कुछ अच्छी गौशालाएँ बनाई जाएं, जिनको दुग्ध उत्पादन केंद्र में बदला जाए, कि जितनी भी गाय भैंस जो भैंसें जिनको कोई नहीं चाहिए, चाहे गाय हो चाहे बैल हो, वो आके नोरंग पार्क और मतलब जो है वो गौशालाओं में अपना जीवन यापन करें और उनके लिए भी प्रॉपर अपन एक ऐसा मुक्ति धाम बनाए जिसमें जानवर अपनी मौत से मरे। और मुझे लगता है कि ऐसा दुनिया में बहुत सारे संसार हैं तो इस संसार को भी जिया जा सकता है, लेकिन उसमें आप जैसे क्लास के लोग जब जुड़ जाते हैं तो ये मिशन बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावना को और आप हमारे कर्म की श्रद्धा को ज़रूर समझेंगे और इसका कोई पॉजिटिव हमें रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आपका अनुज राजपाल यादव। थैंक यू।